नमस्कार, जय हिंद, जोहार दोस्तों। मैं पूर्वा इस वक्त मौजूद हूँ अरगोड़ा में और मेरे पीछे देखिए, मैं इस बार आपको अरगोड़ा का पंडाल दिखा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अभी यहाँ पर जो कारीगर लोग हैं वो इसे पूरा करने में अभी लगे हुए हैं। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि इस बार यहाँ पर जो थीम है अरगोड़ा का वो झारखंड के कल्चर पर बेस्ड है। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ऊपर का जो दृश्य है इसमें 3 हाथियों को आपको दर्शाया गया है। आपका यहाँ पर राइट साइड में एक हाथी है, फिर फ्रंट साइड में एक बड़ा विशाल हाथी है और इसी के साथ इधर लेफ्ट साइड में एक हाथी है, और तीनों मिलकर यहाँ पर देखिए झारखंड के कल्चर को दिखा रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो कारीगर आए हैं वो कोलकाता से आए हैं, जिन्हें आए यहाँ पर लगभग 1 महीने 4 दिन हो गए हैं। 1 महीने से लगभग वो इसे पूरा करने की कोशिश में है। साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ का जो नक्काशी है, साथ ही यहाँ पर जो देखिए किस तरह से कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, और इस पर सोइल का जो है, सोइल के कलर का इस पर ऊपर से फ्रेमिंग किया गया है और फूल वगैरह का यहाँ पर डिज़ाइन डाला गया है। साथ ही इधर देखिए जो हाथी है उसका जो ऊपर का जो प्रिंटिंग वगैरह किया गया है वो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और उधर से मैं आपको इधर आकर एक बार फिर से दिखाती हूँ कि इधर किस तरह से यहाँ पर जो कारीगर लोग हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन जो है वो शेष नहीं बचा है, मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। इधर देखिए यहाँ पर हमारे एक कारीगर भैया हैं ऊपर से। भैया क्या कर रहे हैं, मतलब उस पर क्या चढ़ा रहे हैं आप? पेंटिंग हो रहा है, एक बार नीचे आ जाएंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पर एक कारीगर हैं जो बड़ी खूबसूरती के साथ अभी ऊपर काम कर रहे थे, और हमने थोड़ा सा उन्हें कष्ट दिया है नीचे बुलाकर। ये आप, आपके हाथ में क्या है और अभी आप क्या कर रहे थे वो समझाइए। गान है, रंग का गान है। पास थोड़ा आइएगा, देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे वो इसके ऊपर जो सतह अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो जो सॉइल का लिक्विड है वो उसके ऊपर जा रहा है और उसका कलर जो है पूरा सॉइल की तरह चेंज हो रहा है, और लास्ट में एक बार जो लुक आएगा इसका काफ़ी ज़्यादा सुंदर निखर कर सामने आएगा सूखने के बाद। साथ देखिए एक और कारीगर है, इनका कहना है, अभी आप हमें क्या बता रहे थे? हम बताया था जे हम लोग का काम ये रांची में 5 है, दुर्गा मंदिर और बकरी बाजार और मेन रोड और गौशाला, बहुत बड़ी बड़ी मराठी भवन, यानी कि बकरी बाजार, ये सारे जगहों पर जो भी काम हुआ है वो आप ही लोगों ने किया है। तो उधर का कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लोग इधर कर रहे हैं? नहीं, वो आप ही के साथ ही लोग। अच्छा, तो आप लोग सभी लोग कोलकाता से एक साथ आए हैं? एक ही मालिक एक ही है। अच्छा, तो देखिए हमारे साथ ये जो कारीगर लोग हैं, पूरी टीम इनकी एक साथ आई है जो पूरे रांची में काम कर रही है। मैं हरमू भी कल गई थी, वहाँ भी कोलकाता से ही आए हुए थे कारीगर लोग। तो आप लोग का पूरा टीम रांची में वर्क कर रहा है? मेदिनीपुर से आया है। मेदिनीपुर से कब तक लगता है, उम्मीद है कि यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाएगा? 30 तारीख को।